हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन मलाई कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन को 250 ग्राम लिया है, धो करके साफ करके पोंछ करके इसको हमने रखा है। ये क्या कहते हैं, बोनलेस चिकन है, बोनलेस का ही बनेगा कबाब। हमने नमक लिया, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी मिर्च, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू भी देंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस हो गया। अब इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा इसमें तेल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट देंगे, बस 1 चम्मच देना है, ज़्यादा नहीं। ये घर की मलाई है, मलाई को सिर्फ निकाल करके लेंगे, गाढ़ी मलाई है, लेना है पानी नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, बस हो गया। चीज़ों को हमें मिक्स करना है। मैं 10 मिनट के लिए इसको जब तक रख रहे हैं, जब तक दूसरा काम करेंगे। मक्खन लेंगे, हो चुका। अब मैं इसमें इसको डालेंगे, चिकन को पूरा इसको रोस्ट होने तक तलना है, करेंगे इसको। हमें एकदम रेड सुखा करके तो तलना है, अभी फ्लेम को हाई नहीं किया है, अभी पलट रहे हैं इसको, इसको एकदम फ्राई तलना है, पूरा पानी को सुखा देना है, तब इसको श्रेक करेंगे। चिकन मलाई टिक्का है, आप किसी भी चीज़ का बना सकती हैं, ये टिक्का अपने हिसाब से, लेकिन चिकन सभी को बहुत पसंद आता है, इसलिए चिकन का मैं बना रही हूँ। अभी आजकल चिकन बहुत चला हुआ है, अब इसको फिर से छिपा कर फिर से इसको रख रहे हैं, जब तक ये दूसरा काम करेंगे। ये हमने आलू लिया, ये आलू है मैश करके, इसमें हमने चीज़ दिया, स्क्वायर वाला चीज़ है, इसको क्रश किया है, नमक, नमक नमक कम दे रहे हैं इसलिए कि जो चिकन में भी दिया है हमने, ये हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से देंगी जितना पसंद करती हैं। धनिया पाउडर, हमने जीरा पाउडर लिया, मेरी मिर्च, तीखी मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर करके मिक्स करेंगे, तो छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन तैयार होता है।
यह मैं अंडा तोड़ रही हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कहाँ किस शहर से देख रही हैं हमें बताएं। ये दो अंडा हमने तोड़ा है, इसको अभी ये हमारा और अभी होगा, पानी है पूरा सूख जाना चाहिए। हल्का सा नमक अंडे में भी हमने दिया। अब इसको फेंटेंगे। हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं गैस बंद करेंगे, उसके बाद इसको हाथ से छिड़क करेंगे, तब उसके बाद देखेंगे। ये हमारा इसी तरीके से एक एक ठो करके निकालना पड़ता है। जो बच्चे भी घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, इत्मीनान से काम करें, सभी चीज़ इत्मीनान से हो जाती है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से सभी होती है। यह हमने दो ठो बिना मीट वाला बनाया है, इसलिए बनाया कि जो लोग चिकन भी नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो वो वैसे भी खा लेंगे। अब हम मैं इसमें ये डालने जा रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती दे रहे हैं जो हमने नहीं दिया था। अब इसको पूरे को मिलाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा देखने से लगता है, जब काम करने के लिए इंसान उठता है तो कर ही लेता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, काम तो होना ही होना, हो ही जाता है। इसलिए हमने दो ठो बिना मीट वाला दिखाया, जिसको पसंद नहीं होगा वो बगैर मीट का भी इस तरीके से बना सकते हैं, खा सकती हैं। इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐसा तामझाम नहीं दिया है जो कि घरों में नहीं हो। आप चाहें तो लहसुन भी नहीं दे सकते हैं, जो लहसुन नहीं खाना पसंद करती हैं वो लहसुन नहीं देंगी। प्याज हमने नहीं दिया, बहुत ही कम मसाले में हमने इसको बनाया। अब ये देखिए सब मैश हो गया। अब मैं इसका कटलेट बनाएंगे। ये मैं इसको ऐसे बस करना, देखिए हाथ में कुछ भी हमने नहीं लगाया है, जो भी था ये मीट का था। अब मैं इसको, आप चाहे तो स्क्वायर में भी बना सकती हैं ऐसे करके, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंडा का शेप दें, इसको स्क्वायर में भी बना सकती हैं, अपना अपना पसंद है, ऐसे भी ये बन जाएगा। अब मैं बाकी बना के दिखाते हैं। अच्छा यार, ये 23-24 पीस हमारा 250 ग्राम में ये हमारा कटलेट तैयार हो गया मलाई चिकन का। अब मैं इसको तलेंगे। रिफाइंड गरम हो चुका, इसको मैं अब यहाँ ब्रेड क्रम निकल लिए हैं और यहाँ हमने अंडा को फिट के रखे हैं। अब मैं इसको अंडे में पहले डिप किए और फिर ब्रेड क्रम में लगाया। अब इसको तलेंगे। आप इसी तरीके से स्टोर कर सकती हैं, करके रख सकती हैं फ्रीज में, जो चाहें वो रख सकती हैं। इसी तरीके से ब्रेड क्रम लगा करके सिर्फ रख दीजिए, उसके बाद जब कोई गेस्ट आने वाले हो निकाल करके रख लीजिए। अब तो रमज़ान भी आने वाला है, इसलिए रमज़ान के हिसाब से पूरी तैयारी कीजिए। अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है रमज़ान में, अभी 3 महीना टाइम है। 11 मार्च से रमज़ान शुरू होगा इंशाल्लाह। ये सब भी अफ्तारी की ही पार्टी का चीज़ है। बहुत शानदार ये बन रहा है। बस जितना मेहनत था शुरू में था, अब इतना सा तो काम करना ही पड़ेगा अच्छा खाना बनाने के लिए, वरना फिर अच्छा खाना तो बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है बनने का। अब मैं उतना निकाल करके दिखा रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से, अब कोई भी परेशानी नहीं है, जो था शुरू में काम करने में तो होती ही अच्छी चीज़ में, लेकिन ये बहुत शानदार ये डिश है। जो भी खाएंगे वाह वाह करेंगे और आपकी तो तारीफ़ करते थकेंगे नहीं कि आपने कैसे बनाया, कहाँ से सीखा। जो भी बनाए ज़रूर से ज़रूर एक बार बनाए, ये सब चीज़ में कोई मज़ेदार तो होती ही होती है। देखिए बस इसी तरीके से लाल लाल हमें निकालना है। ये हमारा एक बैच तल दिए हैं 6 ठो और ये दूसरा बैच डाले हैं। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें तलाएंगी
और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मलाई चिकन टिक्का तैयार हो गया। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मलाई चिकन कटलेट तैयार हो गया। आप रमजान में बनाएं या दावत पार्टी में बनाएं या ऐसे अंदिना दिन बनाएं, ये अपने अपने चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। हमारा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।